हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेशन नंबर 9 और यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं एटमोलॉजी के बाद से। एटमोलॉजी तक हम सेशन नंबर 8 में पढ़ चुके और मैंने यहां पर रूट वर्ड लिखे हुए जो कि सेशन नंबर 9 में है और जो हमें वर्ड्स बनाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला रूट है पेडोज, PAIDOS, पेडोज। पेडोज मीन्स होता है चाइल्ड, चाइल्ड बच्चा। पेरी, PERI, पेरी। जिस वही वर्ड में पेरी लगाओ तो आपको समझ जाना है कि अराउंड या सराउंड की बात कर रहा है वो वर्ड, ठीक है। अराउंड या सराउंड मतलब आसपास या चारों। एंडो, एंडो मीन्स होता है इनर या विद इन, यानी किसी चीज के अंदर होना, किसी चीज को, उसको बोलते हैं एंडो। उसके बाद होता है हमारा एक्स, EX, एक्स यानी होता है आउट। जैसे आप बोलते हैं कि एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, इसका मतलब होता है जो पहले था अब नहीं है प्रेजेंट में, ओके। एक्स वाई पे बोलते हैं। ऑप्सिस या ऑप्टिकोस यानी होता है विजन, आप जी इसको पढ़ चुके हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मेट्रॉन यानी मेजरमेंट यानी किसी चीज को मापना, ये भी हम बट पहले बहुत पढ़ चुके हैं। और थर्म यानी होता है हीट। अब आपने एक वर्ड पढ़ा होगा थर्मामीटर, ठीक है। मीटर यानी स्केल यानी मापना, मेट्रॉन यानी मेजर करना, और थर्म यानी हीट, यानी हीट को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। बस इसी तरह से तो बनते हैं जो भी वर्ड होते हैं आपको, बस ये रट लेना है आपसे, बहुत सारे वर्ड अपने आप ही बनने लगे, फिर आपको समझ में आएंगे अरे ये वर्ड हमने पढ़ा तो है लेकिन बनता ही ऐसे है, ठीक है। तो उसको बनने का मेथड क्या होता है, ये होता है थर्म यानी हीट। बैरोज, बेट यानी बेट को मापने वाला, ठीक है। बैरोज आपने पढ़ा होगा साइंस में, बैरोमीटर, ठीक है, जो हमारे वायु को मापता है, ओके, यानी दाब को, वायु दाब को मापता है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। स्फिग्मो यानी पल्स, जो हमारी नाड़ी यानी जो हमारी पल्स होता है उसको मापता है, उसको बोलते हैं स्फिग्मोज, स्फिग्मो यानी पल्स। और स्फिग्मोमीटर जो हमारी नाड़ी को मेजर करता है यानी पल्स को मेजर करता है उसको वो क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमीटर, यानी स्फिग्मोज यानी होता है पल्स, और मेजर यानी मापना, एक ऐसे यंत्र जो हमारे पल्स को मापता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ऑस्टियोन, OSTEON, ऑस्टियोन यानी बोन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ऑस्टियोपाथ, एक वर्ड, ठीक है, हड्डियों से रिलेटेड बीमारी को ऑस्टियोपाथ बोलते हैं। पाउस या पेडोज, ये भी हम पढ़ चुके हैं, फीट होता है। ऑप्टो, ऑप्ट यानी होता है एट। प्लेट्स, प्लेट्स यानी होता है ब्रॉड या फ्लैट, फ्लैट यानी मतलब चौड़ा होना किस चीज को, उसको प्लेट्स, ठीक है। ईएम, IUM, ईएम यानी होता है प्लेस वेयर, एक किसी स्थान को डिनोट करता है, जैसे ईएम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं पोडियम, स्टेडियम, ठीक है, तो उसी प्रकार होता है ईएम। ट्राई यानी थ्री। कायरो या कायर, कायर या कायर यानी होता, कायर यानी होता है हैंड, CHEIR या CHIR, कायर यानी हैंड, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, इससे हम बना सकते हैं कायरो पोडिस्ट, हमने बार पीछे पढ़ा है, कायरो प्रैक्टिस, ओके। मैंसी, मैंसी यानी होता है एक प्रकार की जादू या इस भी प्रकार के भविष्यवाणी करने वाले को, उससे रिलेटेड वर्ड को बोलते हैं मैंसी। मैंसी यानी होता है किसी चीज की प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्शन यानी फ्यूचर बताना, तो उसको बोलते हैं मैंसी। तो हमने सेशन वर्ड, सेशन के हमने 9 रूट वर्ड्स पढ़ लिए हैं, अब हम इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो हम उन्हीं और हम रूट वर्ड्स पढ़ चुके, तो उसके बाद हमने, मैंने कुछ यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, तो इनके अर्थ हम लोग बनाएंगे, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा है थर्म, थर्म यानी क्या होता है, हीट। मीटर यानी मेजर करना, यानी एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, मतलब थर्मामीटर उसको बोलते हैं, थर्मोमीटर उसको बोलते हैं जो हीट को मेजर करने का काम करता है, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। बैरोमीटर, बैरो यानी क्या होता है, एटमॉस्फेयर, यानी क्या पढ़ा था हमने, प्रेशर या वेट, ठीक है। और मीटर यानी मापना, यानी एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायु के दाब, वायु माप को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। अब इस फिगमो मोनो मीटर, मीटर यानी मापना, मोनो यानी एक, स्पिग्मो यानी पल्स हमने पढ़ा था, यानी जो हमारी पल्स की रेट को मापता है, एक ऐसा यंत्र जो पल्स की रेट को मापता है या ब्लड प्रेशर को मापता है, उसको बोलते हैं स्पिग्मो मोनोमीटर। मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम संख्या पद्धति आपने सभी में पढ़ा है मैथ में, ऐसा कोई होगा ही नहीं बच्चा जिसने मैट्रिक सिस्टम ना पढ़ा हो, इसको मतलब बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, डेसिमल संख्या सिद्धांत भी बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। कायरोग्राफी, कायरो यानी हैंड, ग्राफ यानी रिटन यानी राइट करना लिखना,
यानी हाथ के द्वारा लिखी गई किसी भी चीज को क्या बोलते हैं, कायरोग्राफी। और क्राफ और जो हाथ के द्वारा लिखता है उसको क्या बोलते हैं, कायरोग्राफिस्ट। आईएसटी लगा देंगे तो बस सीधे व्यक्ति हो जाएगा। कायरोमेंसी, कायरो यानी हाथ, मेंसी यानी हमने पढ़ा था कि प्रेडिक्शन करना किसी चीज के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताना या किसी चीज के दावा करना कि जो फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है। टेलिंग द फ्यूचर वाई रीडिंग हैंड्स, यानी हाथ की जो रेखाओं को पढ़कर फ्यूचर बताते हैं उसको बोलते हैं कायरोमेनिस्ट, यानी कायरोमेंसी उस टेक्निक को बोलते हैं जिसके जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ की रेखाओं को पढ़कर उसका फ्यूचर बताने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं कायरोमेंसी। जैसे पंडित वगैरह होते हैं, ठीक है, और आजकल तो कुछ टीवी पर भी चल रहे हैं, लोग फेमस होते जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैलीग्राफर, ठीक है। कैली आप इसको लिख लीजिए रूट को, कैली, कैली यानी होता है ब्यूटीफुल। जैसे आपको किसी की तारीफ करना हो, यानी फॉर एग्जांपल उसके राइटिंग के बेस पर कि मतलब उसकी लिखावट बहुत अच्छी है, तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर कैलीग्राफिस्ट। वेरी नहीं बोलेंगे, वेरी लगा है तो वर्ड हो जाएगा, हम बोलेंगे यू आर कैलीग्राफिस्ट। इसका मतलब हो जाएगा कि आपकी लिखावट कैसी, बहुत सुंदर, यानी आप लिखने में बहुत अच्छे लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑक्टोपस, ऑक्टो हमने पढ़ा है एट आर्म, ऑक्टोपस ऑक्टोपस ओपस यानी अपना हैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, पैर ही बोल सकते हैं, तो उसका मतलब होता है एट आर्म, यानी जिसके पैर नहीं, सॉरी बोल सकते हैं, हाथ ही बोल सकते हैं, ऑक्टोपस जिसके मतलब आठ हाथ होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टोपस। एक ऐसा जे जीव कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, बेसिकली ऑक्टोपस बोला, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी तक हम काफी वर्ड पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद हमारे 8 से 10 कुछ वर्ड और से रह गए हैं सेशन नंबर 9 में, जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेटिपस। प्लेटिपस होता है फ्लैट फूड, यानी जिसके मतलब एक ऐसा जानवर या ऐसा जीव जंतु आप कह सकते हैं जो समुद्र में पाया जाता है और जिसके पैर बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटिपस। प्लेटी यानी अपन ने पढ़ा था क्या, फ्लैट, ओके। पोडियम आपने IUM यानी पढ़ा था प्लेस वेयर, किसी स्थान को बताता है, IUM, ठीक है। पोडियम, पोडियम उस स्थान को बोलते हैं जहां पर इसकी स्पीकर खड़ा होता है, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो जो जहां पर जिस प्लेस पर खड़ा हूं उसको बोलेगा, उसको पोडियम बोला जाएगा, ओके। जिम्नेजियम, स्टेडियम, इसी प्रकार जिम्नेजियम हो गया, स्टेडियम हो गया, ओके। ऑडिटोरियम वगैरह भी सेम वही होता है, कॉलेज वगैरह में होते हैं जो जहां पर कोई मीटिंग वगैरह अरेंज की जाती है। ट्राइपॉड यानी होता है थ्री लेग, जिसके तीन पैर हो उसको ट्राइपॉड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जिस पर कैमरा स्टैंड भी अपन बोलते हैं उसी को ट्राइपॉड बोलते हैं, जैसे कि अभी मैंने कैमरा लगाया रखा है, ट्राइपॉड पर ही लगा हुआ है, उसी को ट्राइपॉड बोलते हैं। उसके बाद होता है पोडियाट्रिस्ट या कायरोपोडिस्ट। पोडियाट्रिस्ट या कायरोपोडिस्ट एक ही है, कायरोपोडिस्ट हम पढ़ चुके हैं, कायरोपोडिस्ट यानी क्या है आप बता सकते हैं, ठीक है, इसको आप ही बताएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूं। जो कायरोपोडिस्ट है वही पोडियाट्रिस्ट है, ठीक है, सेम है, इसका आंसर आप सेम निकालेंगे, इसको हम सेशन नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, वो सेशन नंबर 7 में पढ़ चुके हैं, ओके। पेरियोडोंटिक्स, पेरी हमने पढ़ा था अराउंड या सराउंड, ओडोंटोजियन क्या होता है, ओडोंटोज पेरियोडोंटिक्स और ऑर्थोडोंटिक्स एंडोडोंटिक्स, देखो ओडोंटोजियन क्या पढ़ा था, टीथ या टूथ, ठीक है, दांत। ICS हमने बताया था कि ये एक एडजेक्टिव को डिनोट करता है, एडजेक्टिव यानी किस चीज की क्वालिटी बताने वाले को। पेरियोडोंटिक्स मतलब दांतों के चारों ओर को, चारों ओर के भाग को क्या बोलेंगे, पेरियोडोंटिक्स यानी दांतों के चारों ओर क्या होता है, गम्स, गम्स यानी मसूड़े, यानी दांतों के चारों ओर जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसको बोलते हैं पेरियोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स यानी दांतों को सीधे करने की विशेषता को ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थो यानी सीधा, ओडोंटो यानी दांत, ICS यानी किसी चीज की क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव बताता है। ऑर्थोडोंटिक्स यानी किसी, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, कि दांतों को सीधे करने की जो क्वालिटी होती है उसको ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं। एंडोओडोंटिक्स, देखो फिर से वही एंडो, एंडो यानी इनर या विदिन पढ़ा था हमने, यानी किसी चीज के अंदर, जो दांतों के अंदर कोई भी चीज चली जाती है, जैसे कहीं किसी किसी के दांतों में कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारे
लोगों के दांतों में कीड़ा लग जाता है उसको बोलते हैं एंडोडोन्टिक्स, और एक्सोडोन्टिक्स जो दांतों के बाहरी परत होती है उसको एक्सोडोन्टिक्स बोलते हैं, जिसको एनिमल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, दांतों के बाहर जो कठोर परत होती है उसको एनिमल बोलते हैं, उसी को एक्सोडोन्टिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, एनिमल हो जाएगा वो एक प्रकार का एक्सोडोन्टिक्स हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर सेशन नंबर 9 खत्म होता है, और हमने सेशन 7, 8 और 9 में भी अधिकतर डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा है, तो ठीक है, और आई होप आपने आप इन रूट वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, और जो हमने अभी वर्ड्स बाद में डिस्कस किए हैं उन वर्ड्स को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और बाद में आप इनको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जो भी चीज आपकी बची हुई है अब हमारा सेशन नंबर 10 आएगा, और 10 सेशन में कुछ हम अलग ही तरीका के वर्ड्स पढ़ेंगे, जिसमें मतलब जो सेशन नंबर 1 से सेशन नंबर 9 तक हमने अभी तक वर्ड पढ़े हुए हैं उन सभी सेशंस को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और उन्हीं से रिलेटेड ही वर्ड पढ़ेंगे सेशन नंबर 10 में भी, और इन्हीं शब्दों से रिलेटेड कुछ और जो वर्ड बनेंगे इन्हीं रूट से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी, और देखिए आपको यदि SSC वगैरह देखो SSC अगर आपको निकालना है तो देखो आपको पता है कि इंग्लिश उसमें 250 नंबर की आनी है, ठीक है, 700 नंबर में से 250 नंबर की आनी है, इंग्लिश 250 की मैथ आनी है, तो आपको देखो एक पढ़नी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।